हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। एनसीईआरटी मैथ्स 11th की हम कर रहे थे सेकंड चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज, जिसके कुछ क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है मोड ऑफ एक्स। हमें इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका बेस अगर 11th क्लास में आपका बेस सही बन जाता है तो 12th में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। एफ ऑफ एक्स क्या होता है? वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ एक्स। हमें इसकी रेंज और डोमेन निकालना है। हमने पढ़ा था डोमेन क्या होता है भाई, दिस सेट इज अ डोमेन, ठीक है। ए सेट ले लेते हैं, सेट बी लेते हैं, ये हमारे पास क्या होता है कोडोमेन। रेंज किसको बोलते हैं? जो एलिमेंट, जिन जिन एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x लेते हैं तो रेंज हमारा, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज में वो एलिमेंट आते हैं जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। x अगर हम लेते हैं डोमेन का एलिमेंट, f फंक्शन ले रहे हैं हम, f फ्रॉम a टू बी, देन इधर आके हमने कल भी बताया था, ये इधर आपके पास b यानी कोडोमेन में आके आपके पास f इमेज अप्लाई करेगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। और इसका हम एलिमेंट मान लेते हैं y, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसीलिए हम लेते हैं कि y हमारा एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हमें डोमेन निकालना है, डोमेन मीन्स हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू किस बेस पे फाइंड आउट करेंगे? कि y हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर y एग्जिस्ट करेगा तो हम देखें x की किस वैल्यू पे y एग्जिस्ट कर रहा है, वो हमारी डोमेन हो जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं मोड ऑफ x, x यहाँ पे हर एक रियल नंबर के लिए y हमारा एग्जिस्ट करेगा, तो y डोमेन बनेगा क्या? डोमेन सेट ऑफ ऑल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल लिख लीजिए यहाँ पे, रियल नंबर्स फॉर विच वैल्यू ऑफ y एग्जिस्ट। जिसके लिए y की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगी वो आपके पास हो जाएगा ऑल रियल नंबर, ठीक है, डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन अगर हम देखें तो x की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, रियल नंबर में कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो y हमारा एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स डोमेन हो जाएगी द रियल नंबर, डोमेन इक्वल टू r यानी रियल नंबर, ठीक है। बिकॉज फॉर ऑल रियल नंबर वैल्यू ऑफ y एग्जिस्ट, हमारी जो y की वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब आते हैं हम कोडोमेन यानी कि रेंज पे, सॉरी कोडोमेन नहीं, रेंज निकाल ली हमें। तो रेंज की बात अगर हम यहाँ पे करेंगे तो y इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास रेंज का। डोमेन तो फिर भी क्योंकि x का निकालना होता है तो निकल जाता है। फंक्शन हमारे पास है y इक्वल टू माइनस मोड ऑफ x। मोड ऑफ x क्या होता है? x पॉजिटिव आता है कब? जब हम इसकी वैल्यू लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मोड ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव कब आती है? इफ x लेस देन जीरो, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि मोड में जो है क्वांटिटी पॉजिटिव होकर निकलती है, टू, टू का मोड भी टू, माइनस भी एंड प्लस भी, ओके। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मोड ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। मोड ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, चाहे नेगेटिव रखो या पॉजिटिव वैल्यू रखो, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमारे पास हमेशा ग्रेटर रहेगी। अब फंक्शन हमारा है माइनस मोड ऑफ एक्स, हम बोथ साइड माइनस अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा साइन उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू था, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ये हमारा किसकी वैल्यू है? वाई की वैल्यू, इम्प्लाइज दैट वाई लेस देन जीरो। अब यहाँ से देखो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब इक्वल टू एंड लेस देन जीरो, जीरो से लेफ्ट साइड जा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी, तो इंटरवल बन जाएगा y जो है वो आपका बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू
ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा रफ कर दिया हमने, हम जो लेके चलते हैं एक्स, हम यहाँ पे लेते हैं एक्स सेट में और वाई दिस। रेंज हमारा क्या होता है, रेंज ये पॉइंट होते हैं जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाए, तुमने वाई की वैल्यू निकाल ली है, हमारी रेंज हो जाएगी। तो रेंज यहाँ पे क्या बनी, रेंज माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, ठीक है। तो क्योंकि मोड ऑफ एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन माइनस ऑलरेडी हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वाई की वो हमेशा नेगेटिव आएगी, जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगी। तो ये हमारी आ जाएगी रेंज। सेकंड पार्ट क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन निकालते हैं, सेट ऑफ नंबर्स फॉर विच वैल्यू ऑफ वाई एग्जिस्ट, जिसमें वाई की वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी। अब यहाँ पे देखते हैं, फंक्शन है हमारे पास वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट में जो क्वांटिटी होती है, अंडर रूट में कोई भी नंबर होगा वो हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। अगर अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाता है वो हमारा बन जाता है आयोटा में, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। दैट मीन्स अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो हमारी वाई की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमने कहा डोमेन में वो लेना है, एक्स की वो वैल्यू आएंगी जिसमें हमारा वाई एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यूज यहाँ से देखेंगे तो अंडर रूट में जो भी क्वांटिटी होगी वो हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए। दैट मीन्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर को इधर ले जाइए, 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 9 को यहाँ पे लेके आते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। 9 को हम इधर लेके गए हैं, ये लेस देन रहेगा। यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इनक्वालिटी में आपने पढ़ा होगा एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, माइनस थ्री टू थ्री, तो एक्स की वैल्यू माइनस थ्री टू थ्री आ गया। तो हमारा जो वाई था वो एग्जिस्ट कर रहा था फॉर दिस वैल्यू, अगर अंडर रूट के जो क्वांटिटी है वो हमारे पास पॉजिटिव लेके चलेंगे तो कंडीशन आ गई हमारे पास टेस्ट। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन इज एक्स की वैल्यू माइनस थ्री से थ्री तक ले गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे रेंज। रेंज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू सॉल्व करेंगे इसको, y इज इक्वल टू दे रखा है हमें 9 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x को इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी हमें रेंज फाइंड आउट करनी होती है, कई क्वेश्चंस में हम जैसे पिछला क्वेश्चन था यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चल गया था कि y हमारे पास नेगेटिव बनेगा, ठीक है, क्योंकि मोड ऑफ एक्स इज अ पॉजिटिव बट y हमें नेगेटिव दे रखा है तो नेगेटिव पॉइंट्स आ जाएंगे। बट कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम डोमेन चेक करते हैं तो x की वैल्यू पे y डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, और रेंज निकालते हैं तो y की वैल्यू के लिए x डिफाइन होना चाहिए, तो वो हमारे पास रेंज आ जाती है, ठीक है, क्योंकि हम y की वैल्यूज देख रहे हैं यहाँ से, x हमारा ये होता है, y इस सेट में होता है, ठीक है। तो अगर हम रेंज यानी कि हम ये वाला सेट निकाल रहे हैं तो y की वैल्यू निकालेंगे किस बेस पे, कि इसके प्री इमेज जो हम लेके चलते हैं x की वैल्यू हमारी एग्जिस्ट कर जाए फॉर द वैल्यू ऑफ द y, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब x की वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, x इज एग्जिस्ट इफ जो अंडर रूट में जो क्वांटिटी है ये आपके पास पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, रिवर्स हो जाएगा, वाई माइनस नाइन, इनक्वालिटी उल्टी हो जाती है, दिस इज फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वाई माइनस थ्री वाई प्लस थ्री, एंटी अप्लाई कर दी हमने, वाई लाई करेगा यहाँ से माइनस थ्री एंड थ्री के बीच में,
ठीक है, यहाँ से हमारी डोमेन आ गया था, यहाँ से हमने वाई की वैल्यू निकाल ली। बट एक चीज़ और देखना है यहाँ पे कि जो वाई था हमारे पास, दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज ये पॉजिटिव नंबर है। अंदर की क्वांटिटी तो पॉजिटिव लेनी है हमने, अगर ये पूरा नंबर पॉजिटिव सॉल्व करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ऑल्सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। बट y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, y हमारे पास आया है माइनस 3 से 3 तक लाई कर रहे हैं, माइनस के पॉइंट भी आ रहे हैं इसके अंदर। बट हमने यहाँ पे कहा कि y तो हमारा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसलिए दोनों कंडीशंस को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, y जो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3, यानी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते इसके अंदर। इक्वल टू 0 हो सकता है बट नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास y की जो वैल्यू है, y बिलोंग करेगा 0 टू 3, ये हो जाएगा रेंज ऑफ। क्वेश्चन फिफ्थ, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, हमें इनकी रेंज फाइंड आउट करनी है। डोमेन तो गिवन ही है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे डोमेन में। रेंज निकालते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x, ये हमें गिवन है। हमारे पास जो x की वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन 0, इस x से हम हमारा फंक्शन बना लेते हैं, मीन्स 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स 3x ग्रेटर देन 0 इंटू 3 इज़ 0, देन माइनस अप्लाई करेंगे बोथ साइड, माइनस 3x साइन उल्टा हो जाएगा 0, 2 ऐड कर देते हैं, 2 माइनस 3x लेस देन 2 प्लस 0, ये हमारी किसकी वैल्यू है, fx की, fx लेस देन 2, तो fx लेस देन 2 मतलब fx की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो 2 से लेस आएगी, तो रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पे, रेंज माइनस इन्फिनिटी टू 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो लेस देन 2 आ रही है। सेकेंड में चेक करते हैं, एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड एक्स इज अ रियल नंबर, वी नो दैट एक्स स्क्वायर इज अ पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स स्क्वायर हमेशा हमारी पॉजिटिव क्वान्टिटी होती है, ठीक है। हम फंक्शन बनाएंगे तो दोनों साइड हम 2 अप्लाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 0 प्लस 2, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दिस इज अवर फंक्शन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू, तो रेंज हमारी क्या हो जाएगी यहाँ से, रेंज इज फंक्शन की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है ग्रेटर जा रही है, दैट मीन्स इन्फिनिटी, ये हो जाएगी रेंज। थर्ड, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इज एनी रियल नंबर, सिंपल सी बात है, वाई इक्वल टू एक्स यानी कि जो एफ ऑफ एक्स है हमारा एक्स दे रखा है और एक्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अगर एक्स की वैल्यू हम रियल नंबर रखते हैं तो वाई हमारी एग्जिस्ट कर रहा है, वाई की वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है, तो वाई भी क्या करेगा, एक्स हर वैल्यू रियल नंबर के लिए एक्स हमारा एग्जिस्ट करेगा, देन सीधा आ जाएगा रेंज इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स आर। साइज कंप्लीट हो गई 2.3, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल 10th, एंड बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट n। हमने n नेचुरल नंबर पे रिलेशन डिफाइन कर रखा है, एक्स वाई वाई इक्वल टू 2x और एक्स वाई नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। वट इज़ द डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर, रिलेशन के आपको डोमेन कोडोमेन और रेंज बताने हैं। इज दिस रिलेशन अ फंक्शन, बताना है क्या ये रिलेशन आपका फंक्शन बन सकता है। देखिए रिलेशन निकालिए, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है वाई इक्वल टू 2x और x और y बोथ आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x 1 से स्टार्ट करेंगे हम वैल्यूज पुट करना, y की निकालते जाएंगे, x की वैल्यू 1 रखते हैं क्योंकि फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 होता है, तो y इक्वल टू 2 इंटू 1 इज अ 2, अगर x हम 2 लेते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर हमारा क्या बनेगा यहाँ से, 2 इंटू 2 इज अ 4, x इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, अब तो सॉन्ग चलता रहेगा। तो रिलेशन हमारा क्या बन रहा है यहाँ से, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो स्टार्टिंग ऑर्डर पेयर इज 1 2,
x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 2 आती है. नेक्स्ट 2 4 3 6 4 8 5 10 इस तरह से आपके पास ऑर्डर्ड पेयर अप टू सॉन इन्फिनिटी तक. क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों जो x और y हैं वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर. ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा बन रहा है. यहाँ से आपको डोमेन बतानी है, तो डोमेन क्या आ जाएगा? डोमेन इज ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स यानी कि सेट n. ठीक है, कोडोमेन. अब कोडोमेन क्या होता है? जहाँ पे y सेट बिलोंग करता है, y सेट ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो कोडोमेन आ जाएगा आपके पास ऑल्सो नेचुरल नंबर. रेंज क्या होता है? जहाँ से रिलेशन में हमारे पास सेकेंड कॉम्पोनेंट उठाते हैं 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सॉन. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर तो है बट कैसे? इवन, ऑल इवन नेचुरल नंबर, ये हो जाएगा रेंज. ठीक है, कोडोमेन और रेंज में ये डिफरेंस होता है. रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. जो हमारे पास रिलेशन में गिवन होते हैं 2, 4, 6, 8 ये आपके पास होते हैं रेंज में आते हैं. ठीक है, और कोडोमेन जहाँ पे वाई सेट बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं. पूछता है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन बना रहा है? फंक्शन के लिए हम क्या देखते हैं कि जो फर्स्ट कॉम्पोनेंट है ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर हमारा डिफरेंट होना चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5 फिर हम 6 लेंगे, 7 लेंगे अप टू सॉन. ठीक है, तो यहाँ से जो फर्स्ट कॉम्पोनेंट है रिलेशन का वो हर एक जो आपको डिफरेंट आ रहा है. ठीक है, देन रिलेशन जो हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा. दिस इज फंक्शन, जो रिलेशन है वो फंक्शन बन जाएगा बिकॉज फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ एवरी ऑर्डर पेयर डिफरेंट, जो आपके पास हर एक फर्स्ट कॉम्पोनेंट डिफरेंट है इसलिए इस रिलेशन को हम फंक्शन बोल सकते हैं. एग्जाम्पल 11, एग्जामाइन आपके पास रिलेशन दे रखे हैं, इट इज़ अ फंक्शन और नॉट, क्या ये फंक्शन बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे, रीजन दीजिए. फर्स्ट इज 2, 1, 3, 1, 4, 2 क्या आपके पास फंक्शन बनाएगा? जी हाँ. फर्स्ट कंपोनेंट चेक करते हैं 2, 3, 4 फर्स्ट कंपोनेंट डिफरेंट आपके पास, तो ये आपके पास हो जाएगा फंक्शन. 2, 2, 2, 4, 3, 3, 4, 4 फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, 3 जो यहाँ से 3, 4 ये डिफरेंट है बट 2 और 2 रिपीट हो गया इसलिए आपके पास फंक्शन नहीं बनेगा. दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा बिकॉज फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ टू ऑर्डर पेयर आर सेम. आर इज इक्वल टू 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7 फर्स्ट कंपोनेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपके पास ऑल आर डिफरेंट एंड दिस इज अ फंक्शन. ठीक है, एग्जांपल 13, डिफाइन ए फंक्शन एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इस तरह से फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय यूजिंग द डेफिनेशन. इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है इस फंक्शन का डेफिनेशन का यूज करके. ठीक है, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन? ड्रा ग्राफ ऑफ द फंक्शन, ग्राफ जो आपको इसका ड्रा करना है. देखिए, सबसे पहले तो हम टेबल कंप्लीट करते हैं. एक्स की वैल्यू -4 है, -4 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू y, -4 स्क्वायर 16, तो यहाँ से आ जाएगा 16. -3 पुट करेंगे, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16. ठीक है, अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, नंबर्स उठाते हैं, एक्स एक्सिस दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस एक्स इधर होता है, -1, -2, -3, -4 तक, 1, 2, 3, 4 16 तक लेने हैं हमें इसके नंबर, तो हम ले लेते हैं 2, 2 के डिफरेंस पे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये और भी ऊपर जाएगा, 14 दिस इज 16. ठीक है,
ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब एक्स की वैल्यू -4 है तो वाई की वैल्यू हमारे पास 16 चाहिए, दिस इज, तो ये यहाँ पे जाके मीट करेगा 16 एंड दिस इज, पॉइंट आ गया। एक्स की वैल्यू -3 है तो वाई की 9, एक्स की वैल्यू -3 9 इज इट, ये आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे, ये पॉइंट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू -2 देन वाई इज अ 4, दिस पॉइंट, देन अगर -1 है तो वाई की वैल्यू 1 आ रही है, दिस इज -1 और 1 यहाँ पे बनेगी, तो ये आ जाएगा 0 पे 0, दिस पॉइंट, 1 टू 1, दिस पॉइंट, 2 टू 4, एक्स की वैल्यू 2, 3 पे 9 दे रखी है, ये आ जाएगा अपने पास 3 पे 9, 4 पे फिर से 16 जाएगी, दिस इज द 4, इनको मीट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, दिस, ठीक है। तो ये ग्राफ बन जाएगा फंक्शन का, हमें इसके निकालने हैं डोमेन एंड रेंज। फंक्शन गिवन है R2R, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, y की वैल्यू जो हम डिफाइन कर सकते हैं, y इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो डोमेन तो क्या हो जाएगी, डोमेन इज ऑल रियल नंबर। रेंज की बात करते हैं, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, वैसे भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट करेंगे यहाँ से, रियल नंबर कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो y कहाँ बिलोंग करेगा, 0 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगी आपके पास रेंज, रेंज ऑफ दिस। एग्जाम्पल 14, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f फ्रॉम R टू R डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो यहाँ से आपके पास ऑल रियल नंबर्स हैं, ग्राफ बना लेते हैं इसका। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स निकालते हैं, एक्स की वैल्यू उठा ली, वाई की वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी वैल्यूज लेनी है आपको, नेगेटिव वैल्यू लेते हैं 3 से स्टार्ट कर लेते हैं, अगर हम एक्स की वैल्यू 3 लेते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है यहाँ पे, तो -3 का क्यूब, ठीक है, माइनस का क्यूब करेंगे माइनस हो जाएगा 9 27, ये आ जाएगा -27। फिर हम एक्स की वैल्यू लेते हैं -2, -2 का क्यूब करेंगे -8, -1 का क्यूब करेंगे -1, ठीक है, माइनस क्यूब से माइनस बाहर आ जाएगा, 1 क्यूब इज़ 1, 0 पे वैल्यू देगा 0, 1 का क्यूब इज़ 1 एंड 2 का क्यूब 8 एंड 3 इज़ 27। तो इस तरह से नेगेटिव वैल्यूज पे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो हमें ग्राफ बनाना है इसका, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे पॉइंट लेके और इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर देंगे। दिस इज x-axis, y-axis, y पे 27 तक वैल्यूज जा रही है, तो हम इसको थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, 3-3 के ब्रेक पे ले लीजिए तो 3 पे भी कम ही पड़ेगा, 4-4 पे ले लीजिए, इधर से नेगेटिव वैल्यूज -4, ये वाई की वैल्यूज माइनस की हो जाएंगी, -8 -12 -16 -20 -24, एक्स की वैल्यू 1 2 3, इधर से -1 -2 -3 -4, इस तरह से हम वैल्यूज लिखते हैं। एक्स अगर हमारे पास -3 है तो y की वैल्यू जा रही है 27, ठीक है,
देखिए एक्स की वैल्यू माइनस थ्री, वाई इज 27, तो यहाँ पे कहीं यहाँ पे जाके आएगा, ये पॉइंट हो गया। ओके, देन एक्स की वैल्यू माइनस टू लेते हैं। अच्छा ओह सॉरी, एक्स की नेगेटिव है तो वाई की भी नेगेटिव है, ये नीचे की साइड जाएगा। अगर माइनस थ्री ले रहे हैं तो माइनस 28 ये आएगा यहाँ पे पॉइंट, माइनस थ्री इज दिस। एक्स की भी नेगेटिव है, वाई की भी नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। एक्स की वैल्यू माइनस टू, वाई की माइनस एट, माइनस टू एंड माइनस एट दिस इज, ठीक है। एक्स की वैल्यू माइनस वन, वाई की भी माइनस वन, वाई की वैल्यू माइनस वन, इसका फोर्थ पार्ट कर लेंगे, ये आ जाएगी यहाँ पे। ओके, जीरो पे जीरो वैल्यू दे रहे हैं, फिर वन पे वन, वन इज दिस, ये आ जाएगा। टू पे वाई पॉजिटिव एट इधर, एंड थ्री पे फिर से 27, थ्री इज अ यहाँ पे आ जाएगा। इनको मीट करेंगे इस तरह से, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा आपका वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का, ठीक है। एग्जाम्पल 15, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ फ्रॉम, ये था यहाँ पे एफ फ्रॉम आर माइनस ज़ीरो टू रियल नंबर बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स। इस तरह से आपके पास फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स। कंप्लीट द टेबल गिवन, इसमें टेबल दे रखी है, टेबल यहाँ पे, टेबल गिवन है आपके पास x एंड y, और x की वैल्यूज दे रखी है माइनस टू से टू पॉजिटिव, माइनस टू, माइनस 1.5, माइनस वन, माइनस 0.5, ज़ीरो, देन आगे पॉजिटिव नंबर्स पे चल रही है, सेम टू सेम पॉजिटिव नंबर्स, 0.5, देन 1.5 एंड 2। ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है, और रिलेशन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, ठीक है। फिर कहता है इसकी डोमेन और रेंज बताइए। तो सबसे पहले तो आपके पास फंक्शन दे ही रखा है, y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x, x की वैल्यूज पुट करते जाओ, y की वैल्यूज आते जाएंगी। जैसे हमने स्टार्टिंग में, हम अगर x की वैल्यू माइनस टू लेते हैं तो y की आ गई माइनस माइनस हाफ, दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल है, माइनस 1/2, 0.5, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 0.5। सेम टू सेम इनको सॉल्व करेंगे, अगर x की वैल्यू हमारे पास माइनस 1.5 है, y की वैल्यू निकालते हैं माइनस 1/1.5, माइनस 10/15, पॉइंट हटा देंगे 2, 3, डिवाइड कर लो यहाँ से 0.26, एक पॉइंट तक ठीक है, माइनस 0.6 डिवाइड करेंगे 2/3 को, ठीक है। आगे एक दो पॉइंट तक निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 1 रखते हो यहाँ पे, अगर x की वैल्यू माइनस 1 रखते हो तो y की भी माइनस 1 आ जाएगी, 0 माइनस का 0.5 रखते हो, दिस इज माइनस 1/0.5, माइनस 10/5, माइनस 2, ठीक है। तो x की, इसके अब y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, माइनस 0.5, ठीक है। जीरो रखेंगे, एक्स की वैल्यू जीरो तो हो ही नहीं सकती, जीरो नहीं है यहाँ पे, यानी इसके बाद हमारे पास है प्लस 0.5, ठीक है। प्लस 0.5 रखते हो तो वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी, 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगी, 1.5 रख रहे हो तो प्लस की वैल्यू जाती जाएंगी 0.6, 0.5, तो ये आपके पास आ जाएंगी टेबल कंप्लीट। वाई की वैल्यूज रखते, एक्स की वैल्यू रखते जाइए, वाई के निकालते जाइए। फिर कहता है रेंज और डोमेन बताइए। फंक्शन आपके पास गिवन है y इक्वल टू 1/x, यहाँ पे y की वैल्यू ऑल रियल नंबर डिफाइन हो रही है, बट अगर x को मैं 0 ले लेती हूँ तो y की वैल्यू 1/0 इज इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। x हमारा ऑल रियल नंबर पे डिफाइन करेगा बट एक्सेप्ट 0 को, तो ये आ जाएगा r रियल नंबर में से हम
जीरो को निकाल देंगे तो ये आ जाएगा डोमेन। अब हमें चाहिए रेंज एक्स की। अगर मैं वैल्यू निकालूँ यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू वन और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वन बाय वाई। फंक्शन हमारा आर माइनस जीरो टू आर चल रहा था तो ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन करेगा, बट वाई हमारा यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए क्योंकि वाई को जीरो लेंगे तो वन बाय जीरो इज इन्फिनिटी आ जाएगा, एक्स हमारा डिफाइन नहीं होगा। तो रेंज भी क्या सेट बनेगा यहाँ से, रेंज इज ऑल्सो रियल नंबर में से हम जीरो निकाल देंगे, ठीक है। रेंज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, तो ये इसके डोमेन हो जाएगी, ये इसकी रेंज हो जाएगी। एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना है एफ प्लस जी, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। इसको ओपन करेंगे तो ये होता है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स की वैल्यू टू एक्स प्लस वन, ये आ जाएगी एडिशन। सेम टू सेम एफ ऑफ एफ माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस होते हैं ये, एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिविजन सब कुछ। एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस जी ऑफ एक्स टू एक्स माइनस वन, दोनों माइनस के हो जाएंगे। एफ इंटू जी निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू एफ ओफ एक्स इंटू जी ओफ एक्स। एफ ओफ एक्स इज एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस वन, दिस इज अ टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लास्ट इज एफ बाय जी इंटू एक्स, एफ ओफ एक्स डिवाइड बाय जी ओफ एक्स। एफ ओफ एक्स इज एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस। डिवीज़न में एक चीज़ ध्यान रखना है, जो आपके पास अपॉन में जो टर्म आती है वो हमारी जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से हम साथ में कंडीशन लगाएंगे कि एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन बाय टू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर मैं माइनस वन बाय टू रख देती हूँ, टू इंटू माइनस वन बाय टू प्लस वन, टू से टू कैंसिल, माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा और वन बाय जीरो इज अ इन्फिनिटी। तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा एट एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय टू। इसलिए जब भी डिवीजन कर दें दो फंक्शन की तो आपके पास कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो आपके पास फंक्शन गिवन होगा। तो एक्स स्क्वायर बाय टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन देख लेंगे जीरो किस पे बना रहा है, एक्स की वैल्यू निकाल के देख लीजिए, जो भी फंक्शन गिवन हो इक्वल टू जीरो रख के एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एक्स की ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, बाकी सब पे हमारा एफ बाय जी डिफाइंड। ये थे आपके पास एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 2.3। 2.3 एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स आर कम्प्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे इसी चैप्टर की। देन आप तब तक ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।